क्या है केजरीवाल का नया दांव? केजरीवाल का बड़ा प्लान क्या है? क्या गुजरात की कुर्सी हत्या लेंगे केजरीवाल? गुजरात में आम आदमी पार्टी कितने पानी में? इन सभी सवालों के जवाब के लिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखें। खबर की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। दिसंबर 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता पाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं। बीजेपी कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में जोरदार एंट्री की है। अभी कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के मुखियाओं सहित जनप्रतिनिधियों की सभा को संबोधित किया और उनसे गुजरात की हर पंचायत से आम आदमी पार्टी को जिताने का निवेदन किया और कहा सरपंचों को फंड के लिए किसी विधायक सांसद के पास चक्कर नहीं काटने होंगे। हमारी सरकार आने पर सरपंचों को कम से कम महीने का 10,000 रुपये वेतन दिया जाएगा और सरपंचों के खाते में पंचायत विकास के लिए 10,00,000 रुपये दिए जाएंगे। आज यहाँ पे सरपंच और वीसी दोनों आए हुए हैं और मैं समझता हूं अगर पूरे गुजरात के सरपंच और वीसी मिल जाएं तो भाजपा की एक भी सीट नहीं आएगी पूरे गुजरात के अंदर। 27 साल से आज गुजरात में भाजपा है। मैं नहीं समझता कि एक भी चुनाव के पहले, आज मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, गुजरात के सरपंचों से बात करने के लिए। आज मैं दिल्ली से आया हूं वीसी से बात करने के लिए। क्या कभी आज तक चुनाव के पहले भाजपा ने सरपंचों की मीटिंग बुलाई? क्या कभी वीसी की मीटिंग बुलाई? उनको आपके वोट नहीं चाहिए, उनको आपके वोट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए। अगर आज गुजरात के अंदर भाजपा से जनता खुश होती तो आज आप लोग इस हॉल के अंदर मेरी बात सुनने के लिए नहीं आते। और गुजरात के लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पंजाब के अंदर अच्छा काम शुरू हो गया, अब गुजरात भी मांग रहा है कि गुजरात के अंदर भी अच्छा काम शुरू होना चाहिए। क्या दिया भाजपा ने 27 साल में आपको? गाली दी, जिल्लत दी, बेइज्जती दी, इसके अलावा कुछ दिया? आपके बच्चों के स्कूल बनवाए, आपके लिए अस्पताल बनवाए, कोई बिजली दी, पानी दिया, कुछ दिया? फिर क्यों भाजपा के साथ हो? यहां पे 15 दिसंबर को सरकार बनेगी, 1 मार्च से आपके सबके बिजली के बिल जीरो आने लग जाएंगे। तो मैं आपके बिजली के बिल जीरो कर दूंगा, 24 घंटे बिजली कर दूंगा। हर गांव में 18,000 पंचायत है, हर पंचायत में स्कूल खोलेंगे, ये मेरा सपना है। मुझे लगता है हमारा भारत आगे तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। हर पंचायत में स्कूल खोलेंगे, चाहे कितना भी खर्चा करना पड़े। हर पंचायत में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, 10,00,000 सरकारी नौकरियां निकालेंगे, 10,00,000 हो सकती है, पूरी प्लानिंग कर रखी है हम लोगों ने। और ये जो पेपर फूटते हैं, तलाटी का पेपर फूट गया, इसका पेपर फूट गया, उसका क्यों फूटते हैं? पैसे खाते हैं ये लोग, पैसे खाते हैं कि नहीं खाते हैं? इतने पेपर फूटे आज तक कोई जेल नहीं गया, क्यों नहीं गया? इनके लोग हैं, सारे इनके लोग हैं। और ये जितना टैक्स लगाया उससे कोई स्कूल नहीं बना रहे? आपके गांव में स्कूल बना कोई? कोई अस्पताल नहीं बना रहे? कोई सड़क भी नहीं बना रहे? कोई पानी का इंतजाम नहीं कर रहे? कोई बिजली का इंतजाम नहीं कर रहे? हमारे लिए खर्च नहीं कर रहे? ये टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? एमएलए खरीद रहे हैं, ये सरकारें गिरा रहे हैं,
महाराष्ट्र में एमएलए खरीदे, मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदे, कर्नाटक में एमएलए खरीदे, गोवा में एमएलए खरीदे, मणिपुर में एमएलए खरीदे, असम में एमएलए खरीदे, बिहार में एमएलए खरीदे, अब झारखंड में भी एमएलए खरीदने जा रहे हैं। तो ये आपका पैसा, आपका पैसा, आपसे इतना टैक्स लेके गेहूं पे, चावल पे, रोटी पे, सब्जी पे इतना टैक्स लेके एमएलए खरीदने जाते हैं। इसीलिए इनको चिढ़ है, इनको लगता है अगर केजरीवाल ने ये फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, स्कूल अस्पताल बनाने चालू कर दिए तो इनके पास पैसे ही नहीं बचेंगे, फिर तो सब जगह ये बनाने पड़ेंगे, इसीलिए ये मेरा विरोध करते हैं। मैं इनको बार बार कहता हूं भाई, फ्री की रेवड़ी बोल रहे हो, तुम्हारे मंत्रियों को भी तो बिजली फ्री मिलती है, 4000 यूनिट, एक मंत्री को 4000 यूनिट बिजली फ्री, तुमको 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, हमारी जनता को 300 यूनिट भी नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन सभी मुद्दों से ऊपर उठकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात सहित अन्य प्रदेशों में पार्टी को सत्ता में काबिज करने के लिए एक और नया दाव खेला है। केजरीवाल ने कहा है कि मेरी देश की केंद्र सरकार सहित विभिन्न प्रदेशों की सरकार से अपील है कि पंजाब की आप सरकार की तरह अपने सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें। देश में जहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम हर जगह कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, उन्हें हक दिलाएंगे। एक तो मैं सभी राज्य सरकारों से देश भर की अपील करता हूं कि जैसे दिल्ली के पंजाब सरकार ने किया, अन्य सरकारें भी अपने अपने यहां कच्चे एम्प्लॉयज को पक्का करें। केंद्र सरकार भी जितने कच्चे एम्प्लॉयज हैं जिस जिस डिपार्टमेंट में, सबको पक्का करें। और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि देश में जहां भी हमारी सरकार बनेगी, हम हर जगह कच्चे एम्प्लॉयज को पक्का करने के हक में हैं और उनको पक्का करेंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने कल शुक्रवार को विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों को UGC वेतनमान दिए जाने के फैसले को कैबिनेट मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुए बैठक में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त 17 वर्ष तक के अध्यापक 30,000 मानदेय पर भर्ती किए जाएंगे। वर्तमान में कार्यरत अतिथि अध्यापकों को न्यूनतम मानदेय 33,600 रुपये दिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 5 सितंबर को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस वाले दिन, टीचर्स डे वाले दिन, एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, बहुत महत्वपूर्ण ऐलान किया था, जो न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 8,736 कच्चे टीचर पक्के करने का ऐलान किया था। ये पहली बार हो रहा है देश में, पूरे देश में एक हवा ये चल रही है कि सरकारी नौकरियां ख़त्म करो, सरकारी नौकरियों में भर्ती मत करो और उनकी जगह कच्चों को लगाओ और उनको कच्चे में पूरी ज़िंदगी उनकी बीत जाती है। पहली बार पूरे देश में किसी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान मुख्यमंत्री ने 8,736 टीचर्स, कच्चे टीचर्स को पक्का किया। पंजाब में और भी कई हज़ार ऐसे कच्चे एम्प्लॉयज़ हैं, मान साहब उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार उस पर काम कर रही है, जितने भी कच्चे एम्प्लॉयज़ हैं सबको पक्का किया जाएगा। थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि कानूनी रूप से ऐसे किया जाए ताकि कोई उसको अगर चैलेंज करे कोर्ट में तो टिक जाए, ऐसा ना हो कि खाना पूर्ति करके दिखाने के लिए कर दिया और फिर कोर्ट में जाके वो हार गए तो बेचारों के साथ धोखा हो जाएगा। इनमें कई एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो 10-10 15-15 साल से धरने प्रदर्शन कर रहे थे, टंकियों पे चढ़े हुए थे, बहुत दुखी थे और धरने प्रदर्शन कर कर के तंग आ गए थे, वो ओवर एज हो चुके थे, उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। ये जैसा मैंने कहा, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान से देश की सत्ता में क्या बदलाव आएगा यह अभी देखना बाकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल देश भर की सरकारों से कच्ची नौकरियों को पक्की करने की बात कर रहे हैं, अच्छा होता कि दिल्ली के सफाई कर्मियों की नौकरी को पक्का करके यह वादा करते। जिस वादे के दम पर दलितों का वोट पाकर केजरीवाल पहली बार दिल्ली की सत्ता में आए, क्या केजरीवाल ने दिल्ली की सभी अस्थायी कर्मचारियों को पक्का कर दिया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।